करके थोड़ा आप उलझ समाज। गए मुकेश त्यागी जी, और अब आप उलझ गए हैं तो मैं थोड़ी सी कोशिश आपको सुलझाने की करता हूं। देखो उद्धव ठाकरे के संदर्भ में आप जितनी भी बात कह रहे हो ना, 57 सीट वाली शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद देने के लिए तैयार नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी चरणों में दिखाई दे गई 40 सीटों वाले एकनाथ शिंदे के पास। अपने नेता के सम्मान और स्वाभिमान को भी गिराने में संकोच नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर यह कहा था गठबंधन की सरकार के अस्तित्व में आते समय कि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, इसलिए मैं इस सरकार में शामिल नहीं होऊंगा। आपने उस व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान को ताक पर रखकर उप मुख्यमंत्री पद पर जबरिया बिठा दिया। यह आपका अतीत का घटनाक्रम है। अब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में तो चलो द्वंद्व है किस बात का कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या मुकेश त्यागी जी ये स्पष्ट करने के लिए तैयार है कि देखो एकनाथ शिंदे जी हमारे नेता हैं, हमारे गठबंधन के, वो मुख्यमंत्री हैं, हम चुनाव में जा रहे हैं, जीत कर आएंगे, एकनाथ शिंदे को आप मुख्यमंत्री की पद पर शपथ लेते हुए फिर से देख पाएंगे। थोड़ा उदारता का परिचय दीजिए मुकेश जी, थोड़ी स्पष्टता लाइए तो लगे ये कांग्रेस, ये शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली क्या पार्टियां हैं। स्पष्टता अगर किसी के पास है तो भाजपा के पास है, स्पष्टता है तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पास है। जी मुकेश जी, इंतजार कर रहा हूं मैं बड़ी बेचैनी से, और मेरे दर्शक भी। डॉक्टर हिमांशु, मेरा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें जलेबी बनानी नहीं आती। कांग्रेस को जलेबी बनानी बहुत अच्छी आती है और वो जनता को खिलाती भी है, और उसी जलेबी के जाल में फंस गई ये बेचारी शिवसेना कि वो कैसे उस जाल से बाहर निकले। लेकिन जहां तक मैं आपको बताऊँ, ये गंभीर विषय है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हमने उस शिवसेना की नामवाची के बाद भी उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, और उद्धव जी सॉरी एकनाथ शिंदे के 40 आने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री। लेकिन अगर आपके बीच में करार है, आपके बीच में एक समझौता है, सैद्धांतिक समझौता है, उसके आधार पर आप कोई पोस्ट देते हैं मुख्यमंत्री की, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमारा समझौता एकनाथ शिंदे के साथ होता है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, आप नीतीश कुमार का उदाहरण देख लीजिए, उनकी कम संख्या वाला ही हमने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो अगर ये करार भारतीय जनता पार्टी में होता है तो उनको निश्चित मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन हम ये नहीं कि हमने करार तो कुछ किया एकनाथ शिंदे के साथ, और कल एकनाथ शिंदे झूठ बोलने लगे, जैसे उद्धव ठाकरे ने बोला था कि हमारे साथ ये हुआ था कि नहीं बना रहूंगा मुख्यमंत्री। तो ये जो इस प्रकार की अगर बातें होती है, सैद्धांतिक रूप से हमारे जरूर विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमने आप सैद्धांतिक राजनीति की है। आप चाहे नीतीश कुमार का उदाहरण ले लीजिए, और जब देवेंद्र फडणवीस जी को नड्डा जी का फोन आया तो उन्होंने अविलंब उस पोस्ट को स्वीकार किया। होती है थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक अड़चन, जो जो व्यक्ति स्थान पे बैठा हो उसको दूसरे स्थान पे आप ले आए तो हो सकता है मनोवैज्ञानिक, लेकिन कार्यकर्ता होने के नाते उनका प्राथमिक सिद्धांत ये था कि जो पार्टी का आदेश है मैं उसका पालन करूंगा। तो ये तो हमारे यहाँ स्थिति है, हमारे ये नहीं कि राजस्थान में जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट लड़ रहे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कौन है अखिलेश अखिलेश, मतलब इनकी आपस में आप जो अभी आप संजय राउत के देख लीजिए कि दिल्ली से जाके पूछते हैं, हाँ भाई हमारे पास समय नहीं है, 20 को चुनाव होने वाले हैं, ये अभी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से एक फिर एक उनका एमिस्ट्री आएगा, एमिस्ट्री बताएगा, फिर उनके डिस्कशन होंगे, इनके सीट जाके तब एलोकेट होंगे। तो शिवसेना को वहां पे आतुर हो रही है, फिर से ना कह रहे हमारे नाम को डिक्लेयर करिए हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हमारे आधार पे आपको वोट मिलने वाले हैं, कांग्रेस कह रही मैं सीनियर पार्टी हूँ। तो इनके मतभेद तो मैं समझता हूँ कि जब जाहिर है, पब्लिक पब्लिक देख रही है, तो किस आधार के ऊपर, किस कॉन्फिडेंस पर महाविकास आघाड़ी को वोट मिलने वाले हैं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है महाराष्ट्र की जनता के सामने। अब ये प्रश्न चिन्ह का उत्तर तो लोकसभा चुनाव में मिला। जो आपका गठबंधन है चारों खाने चित्त था, आपने देखा कि नहीं देखा लोकसभा चुनाव के परिणामों के आंकड़े को मुकेश जी, या आपको पढ़ के सुनाऊं आप किस तरीके से निपटे, वो अनुमा जी किशोर जी का गठबंधन किस तरीके से आपको सत्ता में रहते हुए भी दोनों जगह देश में भी और प्रदेश में भी नेस्त नाबूद कर गया। क्या कहते हैं मुकेश जी, नए सिरे से विचार करने की जरूरत। हरियाणा का भी जिक्र कर लीजिए डॉक्टर हिमांशु, हरियाणा में भी आप सब तमाम लोगों ने, मध्य प्रदेश में तमाम जगह ये कहा गया था बीजेपी की शिकस्त हो रही, तो अब तक तो क्या हुआ। और देखिए असेंबली चुनाव और पार्लियामेंट्री चुनाव में बहुत फर्क होता है, मैं समझता हूँ स्थानीय मुद्दे पब्लिक के सामने है, और जिस प्रकार से 2.5 साल का सुशासन जो है उद्धव ठाकरे से हुआ जनता के सामने,